सर बिल्कुल, ये बहुत बिल्कुल सही बात है। ये कुछ इत्तेफाक हो गया था कि ये बीजेपी आ गई थी और उसने अपने काम से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली के पीछे ज़्यादा वक्त लगाया, क्रिटिसाइज किया और उसको बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन इन 10 सालों के अंदर पब्लिक अब समझ गई है। और आप जो बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी सुधर गई या नहीं, तो सुधर नहीं गई, मेरे वापस आ ऊपर गई, वापस आ वापस गई आ गई, ऐसा कुछ नहीं है सर। मुझको लगता जी। है कि कांग्रेस पार्टी वही पुरानी पार्टी है जो उसका मुद्दा हमेशा एक रहा है, ऑनेस्टी और ट्रस्ट। थोड़ा पब्लिक के जहन में कुछ नया सोचने का अंदाज बदल गया था। अब मेरे ख्याल से फिर से वही आ जाएगी, वरना कांग्रेस पार्टी बिल्कुल वही है और आपने, लोग आपका संघर्ष भी हमने देखा लगातार मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में, जिस प्रकार वर्षा गायकवाड़ जी के लिए आप लगातार मीटिंग्स करके लोगों को जिस प्रकार कंसोलिडेट कंसोलिडेट करके एक जीत के मुकाम पर लेके जाने का जो संघर्ष, वी आर सीइंग इट। हाउ डू यू सी मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, कैसे देखते हो आप? बिकॉज सर, आप खुद मैं इसमें अपनी कैंपेन पर पर्सनल खड़े हो। लेवल की बात नहीं करूंगा। मुझको नहीं लगता है कि हमने कुछ किया है। पब्लिक का इतना प्यार उमड़ के आता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है और उसकी वजह से हम लोग को एक इंस्पिरेशन मिलता है। और रोजाना एवरी डे हम चेंजेस देख रहे हैं कि उसके अंदर बढ़ोतरी होते जाती है और उनका जनसंख्या बढ़ते जा रही है। तो मुझको लगता है 20 तारीख को जो पोलिंग होगी उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे।